बोकारो जिले के साड़म स्थित दामोदर नदी छठ घाट में गंदगी का अंबार है। गंदगी की वजह से छठ व्रती यहां कैसे भगवान सूर्य की पूजा करते हुए अर्घ देंगे। घाट पर झाड़ियों खरपतवार उगी हुई है, पानी से बदबू आ रही है। दबे स्वर में लोगों ने कहा, व्रती इस गंदगी युक्त पानी में उतरेंगे तो शायद चर्म रोग होने की संभावना हो जाएगी। वहीं कुछ समाज सेवी द्वारा छठ घाट जाने वाले सड़क आसपास क्षेत्र की सफाई तो करवा दी गई है, लेकिन छठ घाट की सफाई पूरी तरह से नहीं करवा सके। और जब घाट की सफाई ही सही तरीके से नहीं हो सकी तो जाहिर है कि पानी में गंदगी रहेगी ही रहेगी। इस संबंध में स्थानीय पंचायत के उप मुखिया पंकज जैन ने कहा, 2 दिनों तक जेसीबी मशीन से छठ घाट जाने वाले सड़क एवं घाट के आसपास क्षेत्रों में सफाई करवाई गई, लेकिन डैम में पानी अधिक होने के कारण उगे हुए खरपतवार झाड़ियों की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अब जरा सोचिए, समय रहते जनप्रतिनिधि समाज सेवी द्वारा 15 दिन पहले घाट से गंदगी हटवाने में गंभीरता दिखाई जाती तो शायद अब ये सवाल ही नहीं उठता। पंकज जी, आप क्षेत्र के उप मुखिया भी हैं, यहाँ जो साड़म का जो छठ घाट है दामोदर नदी डैम किनारे, ये रास्ता तो सफाई हो चुका है लेकिन व्रती लोग के लिए जो यहाँ है पूजा किया जाता है वो तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यहाँ पर जल स्तर का बहुत बढ़ा हुआ है। हम लोगों ने जेसीबी मंगा के साइड में घाट बनवाया है, फिर भी यहाँ पर जल स्तर के कारण यहाँ पर कुछ उपाय नहीं हो पा रहा है। जल स्तर डिवीजन से हम लोगों ने बात की लेकिन पानी का स्तर कम नहीं हो पाया, वो मना कर दिया इस बात के लिए कि मतलब अभी पानी नहीं खोला जाएगा। उधर भी साइड में भी मतलब वो बना हुआ छठ घाट, इसलिए वो इस कारण से मना कर दिया। तो आखिर व्रती लोग कैसे पूजा करेंगे? गंदगी में तो पूजा होगा नहीं, ये साफ सफाई का पर्व है। हम लोगों ने जहाँ तक हो सका काम किया है, जैसे भी 3 दिन हम लोगों ने मंगवा के यहाँ पर साफ सफाई करवाया है और साइड में थोड़ा सा घाट बनवाया है। अब इसी में थोड़ा सा व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ेगा। कैसे?